हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लाउज के आस्तीन की डिजाइन। तो नाप के हिसाब से आस्तीन की हमने कटिंग कर ली है और इसके ऊपर अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। तो हम इसकी तैयार नाप बना रहे हैं 9 इंच। तो हमने कपड़े की कटिंग करी 9 इंच, एक आधा आधा इंच इधर उधर सिलाई के लिए और 1 इंच के आगे हम झालर लगाएंगे। तो हमारी लेस इसमें 2 इंच की है, तो इसमें आगे से हम 2.5 इंच छोड़ देंगे, आधा इंच सिलाई के लिए और 2 इंच लेस के लिए, और ऊपर से हम 1 इंच छोड़ रहे हैं। उसके बाद में इसकी गहराई रखेंगे 1 इंच और नीचे साइड भी हम 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इन दोनों निशानों को मिलाकर सीधा कर लेंगे। मिलाकर सीधा कर लेने के बाद में इन दोनों के बीच में एक निशान लगाएंगे, बीचों बीच में इसको इस तरीके से सीधा करने के बाद इसके बीच में भी एक एक निशान, और इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। तो ये डिजाइन हमने बना ली है। उसके बाद में मेन कपड़े को सीधा रखेंगे इस तरीके से, उसके ऊपर से अस्तर को बराबर मिलाकर रख लेंगे। मिलाकर रख लेने के बाद में इन्हीं लाइन के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो इसके किनारों पर सिलाई हो जाने के बाद में इसके पास पास में हम बीच वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद में इसके कोनों पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से सभी कोनों पर कट लगा लेने के बाद में कपड़े को पलट कर सीधा कर लेंगे। हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है। उसके बाद में इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसके किनारे पर सिलाई लगा ली। उसके बाद में इसके चारों साइड सिलाई लगाकर अस्तर को जमा लेंगे। उसके बाद में इस डिजाइन के किनारे पर हम लेस लगाएंगे। एक 3 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी एक पट्टी ले रहे हैं, उसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टी बनाकर हमने तैयार कर ली है। उसके बाद में इसके पास में रखेंगे और इसके ऊपर से हम चुन्नट लगा लेंगे इस तरीके से। उसी तरीके से पूरे में हम चुन्नट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो झालर हमने बना ली है। उसके बाद में इसको पलट देंगे। पलटने के बाद में इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर से हम यहाँ पर लैस लगा लेंगे। इसके बीच में हम एक मोती लगा लेंगे। तो हमारी डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई है और ये इसका फाइनल लुक। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।